हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी इस पूरी टीम ने आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के सारी जिम्मेदारी ली हुई है। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को हम पूरी तरह से बताए थे कि आप लोगों के बेस्ट तैयारी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, और उस सीरीज़ में आपका एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी 2025 में इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों का इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा आप लोग ये भी जानते हैं कि हर रोज़ इसी टाइम पे यानी कि शाम के 5 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगी जो क्लास 12th के बच्चों के लिए होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और हमने ये पार्ट स्टार्ट किया था। पार्ट 1 पहले ही ख़त्म हो चुका है, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 का डिस्कशन चलेगा। इस तरह से करते हुए आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर, हर एक नोट्स, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल, हम लोग हर एक चीज़ों को इस सीरीज़ में कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारे इस सीरीज़ के साथ ज़रूर बने रहिए और क्लास को एंजॉय करते हैं। तो देखिए, पहले सवाल पर आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपका डिस्कशन चल रहा है, पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ख़त्म करवा दिए हैं। अगर आप में से कोई नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर लीजिए, सारा वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 का है, स्टार्ट करते हैं। एक बात एकदम श्योर रखिएगा, हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ में आपके क्लास 12th के चाहे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जितने भी बच्चे हैं, सभी के लिए इस सीरीज़ में व्यवस्था रखी गई है। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी आर्ट्स को पेपर को लेकर। आगे करते हुए हम लोग हर एक सब्जेक्ट के हर एक जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए होगा, उन सभी चीज़ों को डिस्कशन में करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि अमेरिका राष्ट्रपति ने विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे अमेरिका नहीं होगा, अमेरिकी होगा। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। जितनी भी चीज़ें कराते हैं आप लोग, क्या कीजिए कि इसे एक कॉपी में नोट बनाते हुए चलिए, आप लोग का बेस्ट फॉर्मेट में तैयारी करवाया जाएगा। क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बुश। ठीक है, जॉर्ज बुश वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिन्होंने विश्व व्यवस्था के बारे में बताया था। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके आक्रमण किया था? तो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया है। सवाल कुछ इस तरह से होना चाहिए था, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके यानी कि उसकी अवहेलना करके आक्रमण किया था? तो आक्रमण किस पर हुआ था? इराक पर हुआ था, है ना। यहाँ पर आक्रमण जो किया गया था इराक पर किया गया था। तो सवाल ऐसे आता है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूरा तरह से नहीं था। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर हमला किया था? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने इसकी अवहेलना करके इराक पर हमला किया था, और ये हमला कब हुआ था? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया? देखिए, सवाल कभी कभी आधा तोड़ देता है। अगर सवाल आपको ऐसे पूछे कि तालिबान ने 1996 में यानी 1996 में कहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था जिसे अमेरिका ने हटा दिया था 2001 में, इसको हटा दिया था, तो अफगानिस्तान। इसका आंसर अफगानिस्तान। अगर सवाल को आधा ही पूछ देता कि तालिबान ने 1996 में कहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था, तो हम लोग कह सकते थे क्या, अमेरिका, है ना। और इसी को अफगानिस्तान, और अमेरिका ने इसे 2003 में क्या किया था, हटा दिया था। ठीक है, नोट करते चलिएगा, जो भी एक्स्ट्रा बातें होगी उसे अलग से नोट करते हुए चलिएगा, नोट बना लीजिएगा साइड में। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड ने नहीं होगा, के होगा। ठीक है, अमेरिका के, अमेरिका ने नहीं, यहाँ पे आप के कर लीजिएगा।
अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, 11 सितंबर 2001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर 50 राज्य शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। 6 में है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा देने वाला देश कौन है, यानी पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, एक सवाल ऐसे भी पूछता है कि पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1969 पे, है ना, इंटरनेट की व्यवस्था शुरू हुआ था 1969 पे, और जबकि हमारे भारत में स्टार्ट हुआ था 1995 में, है ना, अप्रॉक्स यही डेट था। ठीक है, ये पूरे विश्व में शुरू हुआ था और हमारे भारत में स्टार्ट किया गया था 1995 में, जो कि BSNL कंपनी जो थी उसमें, BSNL ना, BSNL तो बाद में बनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 पे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति जो है वो चीन ने अपनाया था, और सवाल ये भी कभी कभी आता है कि खुले द्वार की नीति कब अपनाया गया था, तो ये आपका 1899 पे था। ठीक है, खुले द्वार की नीति कब अपनाया गया था, 1899 में, और किसके द्वारा, चीन के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 7 सवाल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं, 1957 1967, और इसमें से नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए 1993 में, है ना, 92 में भी नहीं है, 1993 में। इसका पूरा जो डेट है वो 1 नवंबर, है ना, इसका 1 नवंबर को है 1993 में, डेट लिख लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1993 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, यानी कि यूरोप में जो आर्थिक सहयोग संगठन था उसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में, कब हुआ था, 1948 में, और इसका पूरा डेट अगर देखोगे तो 16 अप्रैल को, कब हुआ था, 16 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और 10 में बात करते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1, 1957 में हुआ था, पूरा डेट देखेंगे तो 25 मार्च, है ना, ऑप्शन भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट पूछता है 25 मार्च। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यूरोपीय संघ का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था, यानी कि यूरोपीय संसद में, यानी कि संसद में कि सबसे पहला जो प्रत्यक्ष चुनाव था वो कब हुआ था, तो 1979। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए, जर्मन का एकीकरण जो है वो दो फेस में पूरा हुआ था, दो बार में कंप्लीट हुआ था। पहला जो कंप्लीट हुआ था वो आपका 1871 में, और इसका जो दूसरा हुआ था वो 1990 में, यानी कि अक्टूबर में हुआ था, 3 अक्टूबर 1990 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 अक्टूबर 1990। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जर्मन का एकीकरण जो है 1871 में ही हुआ था ना, लेकिन इसका दूसरा वाला है, क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं, अगर आप देखोगे तो 1871 तो है नहीं, तो अधिकतर लोग लगे कि ऑप्शन जो है गलत है, तो ऐसा नहीं है, ये दूसरा वाला पूछा गया है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से कब कंप्लीट हुआ था, तो 3 अक्टूबर 1990 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, लिखा सन 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों हुई थी, सॉरी क्यों की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, राजनीति के लिए भी था, आर्थिक के लिए भी था, और सैन्य सहयोग के लिए भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, अमेरिका थे। आगे बढ़ते हैं, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे मौजूद हैं? तो 12 सितारे मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में लिखा हुआ है, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन है? हमारा भारत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 17 में, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश का एक भाग है जहाँ पे नाम है ढाका, तो वहाँ पे हुआ था। और कभी कभी डेट पूछता है कब हुआ था, तो 1985 में, कब हुआ था, 1985 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
द चेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, द चेस में कुल कितने देश शामिल थे? तो 8 देश शामिल थे। ठीक है, आगे द चेस की स्थापना देखिए अभी बताए थे 1985 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1985। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 20 में, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? देखिए बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था तो उसे मान्यता नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे भारत में यानी भारत ने उसको मान्यता कब दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 दिसंबर को दिया था 1971 में। तो इसमें डेट तो लिखा नहीं है, तो आप डायरेक्ट 1971 मार दीजिए, 6 दिसंबर था। ठीक है, आप चाहे तो उसका पूरा डेट लिख लीजिए कि 6 दिसंबर को हुआ था। चलिए, तो आज हम लोग इस पार्ट टू के सीरीज में भी 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, और इससे पहले भी हम लोग 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में ही 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, है ना। तो हम लोग इसी के बारे में इसी पैटर्न के हिसाब से लेके चल रहे हैं, और आज इस सीरीज का दूसरा सेक्शन है ऑब्जेक्टिव का, है ना, ऑब्जेक्टिव सीरीज का। फिर हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज का भी स्टार्ट करेंगे और एक सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई। कुछ देर का आप समय निकाल कर इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, और जितनी भी नोट और अलग बातें बताई जाती उसे आप नोट करते हुए चलिएगा। गारंटी रखिए कि आपका इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। 2025 के एग्जाम में आप सियोर रखिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये मेहनत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से हमें यह पता चलता है कि आप लोगों को अगला सीरीज़ में यानी इस सीरीज़ के अगले वीडियो में क्या चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपको चाहिए वो सीरीज़, तो हम उस सीरीज़ को जल्दी स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटिकल के बाद हम लोग उसी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे जिसमें आप लोग को सीरीज़ चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।